So, hello everyone, welcome you all in my next lecture on this electrochemistry. Okay, so electrochemistry के हम लोग बहुत सारे lectures देखा, आपने देखा होगा. अब आगे देखते हैं एक काफ़ी important एक दो साल से IIT वाले इसको खूब पूछ रहे, दो तीन साल से काफ़ी पूछ रहे इसको. और ये पूछने का इनका मोटिव क्या है कि ये जो इक्वेशन है NCERT बुक में नहीं दी हुई है. बट आप बोलोगे सर NCERT बुक में नहीं है फिर क्यों पूछ रहे हो, तो ये चीज़ लैब मैनुअल में दी हुई है. और आपको पता होना चाहिए, अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लैब मैनुअल में है तो अपने को याद रखना होगा, क्योंकि वो लोग टारगेट करते हैं एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का. ओके, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल. ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फार्मूला याद रखना है. और अगर नॉलेज के लिए देखिएगा तो डेरिवेशन, अगर घुमा के उनको कुछ पूछना होगा तो नॉलेज के लिए डेरिवेशन याद रख सकते हो. तो बहुत सिंपल लॉजिक से करेंगे. देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई. डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है. ये अभी हम लोग ने देखा. और एक और इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ए होता है. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी. तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन का डी लूँ, दैट इज डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी ऑफ डेल्टा एच अपॉन डी टी. और इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा. ओके, डेल्टा एस आ जाएगा. अब मैं इक्वेशन जो देख रहा हूँ, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच की वैल्यू थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ क्या हो जाता है, एन सी पी डी टी होता है डेल्टा एच की वैल्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो इसका मतलब डी टी क्या है, जीरो है. तो इसका क्या मतलब है, डी ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अपने पास अब देखिए उसको यूज़ करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया है, माइनस डेल्टा एस. उस एक टर्म को जीरो कर दिया. अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे. तो देखिए यूज़ करने पे क्या आएगा, सो दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट तो रहेगा ही, डी ऑफ माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस. और चलिए n कांस्टेंट होता है, f कांस्टेंट होता है, और माइनस ये सबको बाहर ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ, ये बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी, ओके सो दिस इज व्हाट, डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, सेल में प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस हो जाएगा. अब ये जब हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, और डी ई अपॉन डी टी, टी टेम्परेचर है ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एन एफ. तो यही फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल. ओके, अगेन आई रिपीट, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. आना किस लिए चाहिए, आपको बोला मैंने, क्योंकि ये लैब मैनुअल में दिया हुआ है, और लैब मैनुअल में ये सब चीज़ जरूर, लैब मैनुअल में अगर जो चीज़ दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, और एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन पे IIT वाले ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन पे IIT वाले ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये चीज़ अपने को याद होना चाहिए. ओके, तो देखिए
ये अगर आप देखिएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू ओके, तो ये वैल्यू अगेन, तो एक और इक्वेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, होता ही ओके। उसी तरह से डेल्टा एच अगर निकाल लो, इन्थैल्पी अगर अपने को निकालना है, तो इन्थैल्पी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस ओके हो जाएगा, और डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई प्लस ओके। ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप डेल्टा एस की वैल्यू देखिए, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इन टू दिस इज डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन टू एन इन टू एफ। तो ये भी इक्वेशन कभी कभी, तो ये तो पता ही होगा, ये भी इक्वेशन कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन क्वेश्चंस ओके। सिर्फ मैं कुछ 20 अराउंड, देयर आर समथिंग अराउंड 25 क्वेश्चंस है जो कि हर टॉपिक से लिया गया है, उसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे ओके। थैंक यू।